खबर नोएडा से है। यहाँ का सफराबाद गांव, यहाँ रहस्यमयी बुखार से पिछले 15 दिनों में 12 लोगों की मौत हो चुकी है और इन मरने वाले लोगों की उम्र 18 से 50 साल के बीच बताई जा रही है। और ये रहस्यमय बुखार यहाँ लगातार बढ़ रहा है और इन मौतों से हड़कंप मच चुका है। यहाँ जिस बीमारी से गांव में मौत हो रही है उससे प्रशासन और हेल्थ डिपार्टमेंट अनजान है। हालांकि इंडिया 24/7 की टीम ने जब स्वास्थ्य अमले के मामले की जानकारी दी तो स्वास्थ्य विभाग में भी अब हड़कंप है और आनन फानन में मेडिकल टीम्स मौके पर पहुंची हैं। कैंप लगाकर लोगों का इलाज शुरू किया गया है। तो नोएडा का सराफाबाद गांव है जहां पर एक रहस्यमय बुखार उसकी चपेट में धीरे धीरे यहाँ के ग्रामीण आ रहे हैं और बुखार किस तरह का है, किस वजह से यहाँ पर इन लोगों की मौत हो चुकी है, ये अभी तक एक रहस्य बना हुआ है। 18 से 50 साल के बीच उम्र बताई जा रही है, यानी हर वर्ग को तकरीबन ये बुखार अपनी चपेट में ले चुका है। 12 लोगों की इसमें मौत हो चुकी है। इलाके में यह हड़कंप है। प्रशासन और हेल्थ डिपार्टमेंट हालांकि अभी तक अनजान था, लेकिन इसके बाद जब हमारी टीम स्वास्थ्य अमले को इसकी जानकारी दी गई तब जाकर अब मेडिकल टीम यहां पर पहुंची है। अब कैंप्स लगने शुरू हो रहे हैं, लोगों का इलाज शुरू हो रहा है। लेकिन अगर पहले ही कुछ कदम उठा लिए जाते तो जिस तरह से ये मौतें हुई हैं शायद ये अनहोनी नहीं हो पाती। लेकिन ये बुखार किस तरह का है अभी यही साफ नहीं हो पाया है। लेकिन अब एहतियातन यहाँ पर मेडिकल टीम भेजी गई है, कैंप्स लगने शुरू हो गए हैं ताकि ये बीमारी आगे ना फैल पाए। लेकिन देखना ये होगा कि अभी इस गांव में और कितने लोग हैं जो इस बीमारी की चपेट में आ चुके हैं, क्या उनका सही तरह से इलाज अब शुरू हुआ है। हालांकि कैंप्स लग चुके हैं और ये बीमारी आगे ना फैले अब इसके लिए स्वास्थ्य महकमा क्या कदम उठा रहा है। ये लगातार सवाल बना हुआ है कि ये बीमारी आखिर है किस तरह की। बुखार बताया जा रहा है लेकिन एक बुखार ने 12 लोगों की जान ले ली। हालांकि डेंगू चिकनगुनिया के केसेस वैसे भी बहुत ज्यादा दिल्ली में सामने आ रहे हैं, दिल्ली एनसीआर में, लेकिन अब ये किस तरह का बुखार है जिसकी वजह से यहाँ रहने वाले लोग इसकी चपेट में आ गए हैं। 12 लोगों की जान जा चुकी है। 18 से 50 साल की उम्र के लोग इस बीमारी से त्रस्त हो रहे हैं। और अब अनुराग चड्ढा है हमारे साथ इस खबर पे। अनुराग, स्वास्थ्य महकमे ने अब अपने कैंप्स तो लगा दिए हैं यहाँ पर, लेकिन क्या धीरे धीरे साफ हो पा रहा है किस तरह की बीमारी है ये? अभी भी कितने लोग बताए जा रहे हैं जो इसकी चपेट में हैं और ये बीमारी अब आगे ना फैले उसके लिए एहतियातन क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए, करीब करीब गांव के 200 ऐसे परिवार हैं जो इस रहस्यमय बीमारी की चपेट में है। जो डॉक्टर्स की टीम है उन्होंने ये निष्कर्ष पाया है जांच के बाद कि यहाँ पर एक अजीब तरह का बैक्टीरिया कोई यहाँ पर फैल गया है, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो बीमार पड़ रहे हैं। सबसे पहले उनको हल्का सा फीवर होता है, उसके बाद जॉइंट फीवर होता है जिसकी वजह से उनके पूरे शरीर में पेन हो जाता है और वो बाद में जानलेवा भी साबित हो जाता है। तो सबसे पहले तो अथॉरिटीज से उन्होंने कहा है कि यहाँ पर जो गांव की साफ सफाई है उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि गंदगी में ही अक्सर इस तरह के बैक्टीरिया फैलते हैं। और जहां तक जो लोग हैं उनको प्रिवेंटिव जो इंजेक्शन होते हैं, जो डोज होती है दवाइयों की, वो दे दी गई है। और डॉक्टर्स का कहना है कि एक सप्ताह से लेकर 10 दिन तक में जो यहाँ पर लोग पीड़ित हैं इस बीमारी से वो इस बीमारी से मुक्ति पालेंगे। और लेकिन जो गंभीर लोग बीमार हैं, जो हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल में जो लोग गए हैं उनको सीएमओ की विशेष टीम ने जाकर देखा तो उनमें से करीब 3 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। तो डॉक्टर पुरजोर कोशिश करें उन लोगों को बचा लें, लेकिन इतना जरूर है कि मीडिया के हरकत, जब मीडिया ने इस मामले को प्रमुखता से दिखाया तो उसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम हरकत में आई और गांव में कैंप लगे हैं। इस वक्त गांव में करीब करीब 10 से 15 डॉक्टर मौजूद हैं, लेकिन जो गांव के लोग हैं उनका कहना है कि चलिए देर से ही सही प्रशासन जागा तो, लेकिन उनको दुख भी इस बात का है कि अगर ये प्रशासन पहले जागता तो जो इतनी मौतें हुई हैं 18 साल से लेकर 50 साल के बुजुर्ग जो लोग हैं वो इस बुखार की चपेट में, उन्होंने अपनी जान गंवा दी तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। साथ ही साथ वही उनकी ये डिमांड भी है, मांग भी है कि जो दोषी डॉक्टर्स हैं, जो दोषी अधिकारी, उनके खिलाफ जी जरूर होनी चाहिए। बिल्कुल अनुराग, तो ये मुस्तैदी अगर पहले ही दिखा दी होती तो शायद स्थिति यहाँ पर इतनी बदतर नहीं होती। चलिए, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।
और अब आपको ये दिखाते हैं कि कैसे रहस्यमय बीमारी लोगों को मौत की नींद सुला रही है। इस रिपोर्ट में समझिए। तस्वीरें नोएडा के सरफाबाद गांव की हैं, जहां महीने भर पहले तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन महज 15 दिन के भीतर रहस्यमयी बुखार 12 लोगों को मौत की नींद सुला चुका है। जानलेवा बुखार ने सबसे ज्यादा 18 से 50 वर्ष तक के लोगों को शिकार बनाया है। मरने वालों में पुरुषों की तादाद सबसे ज्यादा है। बुखार की शिकायत ज्यादा है। कोई भी घर ऐसा बचा हुआ नहीं है जिस घर में जो बीमार नहीं हो। बुखार आ रहा है, लोग गैल खत्म हो रहे हैं। ये हाथ पामन में इनमें दर्द हो तो है और इनमें दर्द हो तो है और ये लीवर दिल घबराता है। सरफाबाद गांव में रहस्यमय बुखार से 15 दिन पहले एक शख्स ने दम तोड़ दिया और फिर मौत का आंकड़ा 12 तक पहुंच गया। हैरत की बात ये है कि 12 जिंदगियां खत्म होने के बाद भी स्वास्थ्य महकमे की नींद अभी तक नहीं खुली है। प्रशासन को अब तक मामले की जानकारी नहीं है। अभी मतलब जो डेथ हुई है इस महीने में, जुलाई में हुई है, अगस्त में हुई है, उसमें से ज्यादातर मरीजों को फीवर है, मतलब सभी मरीजों को फीवर है और साथ में उनको ज्वाइंट्स पेन भी है। अब इनकी डायग्नोसिस मतलब पता करनी पड़ेगी। इनके हॉस्पिटल से हम लोग पर्चे निकलवाते हैं, ये लोग सब पेशेंट हॉस्पिटल में ही डेथ हुई है तो वहाँ से पर्चे निकलवाएंगे तो पता चलेगा इनकी डायग्नोसिस क्या बनी है और क्यों डेथ हुआ है। देश की राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा के इस गांव में इन मौतों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। स्वास्थ्य अमले को मामले की जानकारी न होना वाकई हैरान कर देने वाला है। जानलेवा बुखार से इस गांव के कई लोग पीड़ित हैं और जिंदगी से उनकी जंग जारी है। कई महीना हो गया बुखार चलता चलता है, अब लोगों ने किसी डॉक्टर ने यूं पता नहीं है कि कैसी बीमारी है। रोजाना एक एक दिन में दो दो तीन तीन मर रहे हैं, कल चार मरे। सरकार हर साल स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में हालात सरकारी दावों की पोल खोल देते हैं। सवाल उठता है कि हमारा सरकारी सिस्टम कब और कैसे सुधरेगा। नोएडा से अनुराग चड्ढा और अमित चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7।